गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल यूट्यूब का फर्स्ट ऐसा यूट्यूब चैनल है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और उनके द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देख ही लिया होगा, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स ऑफिसर्स सोल्जर्स और मेडिकल ऑफिसर्स का। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम कोई मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोड करेंगे, फिजिकल के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोड करेंगे या फिर आपके भर्ती के रिगार्डिंग हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वीडियोज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेंटनरी के बारे में। मींस ये इसके काम अलग है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट अलग होता है, वेंटनरी अलग होता है, इन सभी के वर्क अलग अलग हैं। तो इनके वर्क के बारे में तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, या फिर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद नहीं आ रहे तो भी आप हमें सुझाव दें, हम हमारी सर्विस को इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, वेंटनरी की जो पोस्ट होती है उसके बारे में। वेंटनरी के अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज मांगी जाती है 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हाइट के बारे में हम बात करें तो हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए एटलीस्ट। और वेट की बात करें तो वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक्सपांड करके मीन्स आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना होता है। और उसके बाद में हम बात करें क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो 12th पास आप सभी को होना होता है एटलीस्ट। 12th पास हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी साइंस फील्ड वाले ही खाली कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात करें आपके पास साइंस में 12th में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए और कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो सब्जेक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आप सभी के पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो टोटल परसेंटेज है आप सभी का 50 होना चाहिए और 40% सभी सब्जेक्ट्स में आपके होने चाहिए। जैसे कि फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बायो में 40, इंग्लिश में 40, मीन सभी सब्जेक्ट्स में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने बीएससी डिग्री ली है तो, अगर आपने मीन्स बीएससी डिग्री अगर आपके पास है बॉटनी जूलॉजी बायोसाइंस से है तो, और इंग्लिश आपके पास होना ही चाहिए 12th में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये थी कुछ इसकी बेसिक जानकारी जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट करें तो आपका रिप्लाई हम देंगे। और आने वाले जो वीडियोस होंगे इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कितनी सीट्स होती है मेरिट में, फाइनल मेरिट कितने बजे आती है, कट ऑफ कितने बजे आती है, काम क्या होते हैं इनके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।